आज मैं लाई हूँ बेसन की रोटी बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी के साथ। जो लोग कहते हैं कि हमसे बेसन की रोटी टूट जाती है उनकी टेंशन अब खत्म। इस तरीके से बेसन की रोटी बनाएं तो बिल्कुल नहीं टूटेगी, शर्तिया गारंटी है। इस एक दफा बना के देखें। इतना आसान तरीका है कि आपका दिल करे कि हम रोज बनाएं। इट्स मी ज़ैनब, आप देख रहे हैं ज़ैनिस किचन एंड व्लॉग। चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कप बेसन लिया, बेसन में चॉप प्याज, चॉप चिलीज एंड कोरिएंडर लीव्स डाल के मिक्स करें। साथ ही बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी का धनिया चिली फ्लेक्स जीरा यानी क्यूमन सीड एंड अजवाइन वन पिंच। पहले ड्राई चीजों को मिक्स कर ले, स्पून की मदद से मिक्स कर ले। पानी की मदद से पतला सा लेप, पतला सा मटेरियल बना ले। देख सकते हैं कि जैसे मैंने पतला सा, ना बहुत पतला ना ज्यादा गाढ़ा, दरमियाना सा मटेरियल रेडी कर लिया है। एक हॉट प्लेट ले या तवा ले जो आपके पास अवेलेबल है। वन टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाले, साथ ही किसी डीप चमचे की मदद से ऊपर सारा रोगोल रोटी बना ले। इसको हल्की आंच पे यानी मीडियम लो फ्लेम पे कुक करें। एक साइड पकने के बाद साइड को चेंज करें और अच्छी तरह पकाएं। इसी तरीके से दोनों साइड्स अच्छी तरह पका लें। इसी तरीके से आप अपनी बाकी भी बेसन की रोटियां रेडी कर लें। एक कप बेसन में तीन रोटियां मेरी रेडी हुई। ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को डबल कर लें। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब इस तरीके से कभी आपकी रोटी नहीं टूटेगी। ऐसी लगी मेरी ये वीडियो, उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।